यमुनानगर, बड़ी खबर। बंदूक की नोक पर तिरुपति प्लाईवुड फैक्ट्री में दिन दहाड़े हुई लूट। फैक्ट्री के अंदर चार लुटेरों ने दिया लूट की वारदात को अंजाम। बता दें, लुटेरे सफेद स्कॉर्पियो में आए। वह फैक्ट्री के मालिक अचित व अनुज ऑफिस में ही थे, जब दोनों भाइयों को गन पॉइंट पर लेकर 15 लाख रुपए कैश व 2 आईफोन व 1 सोने की चैन लूटकर लुटेरे फरार हो गए। वारदात के बाद एक आईफोन सड़क पर मिल गया, लेकिन दूसरा फोन नहीं मिला। लूट की इस वारदात को चार युवकों ने अंजाम दिया, जो कि स्कॉर्पियो से आए व लूट की इस वारदात को अंजाम देकर फैक्ट्री से निकल गए। फैक्ट्री मालिक ने कहा, कैश लेबर की सैलरी के लिए लाए थे। लुटेरे सिगरेट पीते हुए फैक्ट्री में घुसे व लूट की वारदात को अंजाम देकर इत्मीनान से निकल गए। दिन दहाड़े हुई इस लूट से बड़ी संख्या में इलाका निवासी मौके पर मौजूद रहे। मौके पर थाना सदर जगाधरी, DSP कवलजीत सिंह, ट्रैफिक SHO रामपाल, CIA 1-2 की टीमें भी मौके पर पहुंची व आसपास के CCTV खंगाले जा रहे हैं। बड़ी बात, फैक्ट्री में 3-4 दिन से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिस कारण CCTV कैमरे बंद मिले, लेकिन आसपास की फैक्ट्रियों के कैमरों को खंगाला जा रहा है। देखें रिपोर्ट। हमारा अच्छा रिलेशन है इनके साथ। आना जैसे 11 बजे के आसपास मेरे को ये बात पता चली, हम लोग यहाँ पे आए तो हमें पता चला भाई साहब से, जैसे हमने बात की अनुज जी से, तो उन्होंने बताया कि चार लोग आए एकदम दफ्तर में, और आते ही उन्होंने सीधा उनके मतलब गन पॉइंट पे उनके रख के, और जो उनका कैश था वो लूट ले गए, मोबाइल फ़ोन ले गए, और उनके भाई साहब से गले से चैन झटक कर ले गए। और जैसे ही वो निकले, ये सारी वारदात करने में उनको 2 से 3 मिनट का समय लगा। हम प्रशासन से सबसे पहले तो ये गुहार लगाना चाहते हैं कि उन अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और प्रशासन से आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि व्यापारियों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि आज का जो माहौल हो गया, इस डर के माहौल में व्यापार करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता जा रहा है। प्रशासन से हमारी ये गुहार है कि भाई इन अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और व्यापारियों को सुरक्षा का मुहैया कराई जाए। मेरा नाम है तिरुपति प्लाईवुड। हम ऑफिस में आके बैठे, 15-20 मिनट बाद चार आदमी आए अंदर ऑफिस के, और रिवॉल्वर निकाल दी उन्होंने, और रिवॉल्वर निकाल के हमें बोला जो भी कुछ है निकाल के दो। तो हमने मना भी करा, लेकिन उन्होंने साथ ही रिवॉल्वर की वो ऐसे करते हैं वो ट्रैगर कर दिया उसको, तो हमने बैग निकाल के दे दिया जिसमें 15-16 लाख रुपए थे। फिर वो भाई साहब भी साथ में थे, उनकी चेन थी, उनकी चेन उन्होंने खींच के तोड़ ली, और हमारे दोनों मोबाइल और वो सारे पेमेंट लेके चले। वाइट कलर की बेलोरो में आए थे, जो हमने कैमरे में बाहर से जस्टिफाई किया है कि वाइट कलर की बेलोरो। और क्या क्या फोन ले जा चुके हैं? एक फोन हमें मिल चुका है, उन्होंने रास्ते में फेंका था, तो वो फोन हमने मिलाया तो किसी से हमें वापिस आ चुका है, जो कि अभी मेरे पास है। दूसरा फोन अभी रिंग जा रही है, बट वो कहाँ उन्होंने फेंका हुआ है उसका मालूम नहीं पड़ा, तो अभी उनके पास है या रास्ते में है। कितने व्यक्ति थे? चार व्यक्ति, दिन दिहाड़े 10:30-11 बजे, और ऐसा मतलब हो रहा है तो कोई मतलब अच्छी बात नहीं है। सर, नकाब पुलिस थी? नहीं, नकाब कोई नकाब नहीं था, कुछ नहीं था। तो सर पुलिस को दे पुलिस 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 को कंप्लेंट दी? हाँ, पुलिस को कंप्लेंट हमने तभी कर दी थी। पुलिस आ भी चुकी है हमारे से, सारे मतलब सारी चीज़ लिखवा के भी।